डेविडेशिस, ये बेटा दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है, डेविडेशिस भी और डेविडेचिस भी, दोनों तरह से ठीक है। ये 1912 में इनकी बर्थ हुई और 2005 में इनकी डेथ हुई। 92 ईयर्स ऑलमोस्ट इनकी एज बनती है। और ये एक स्कॉटिश लिटरेरी हिस्टोरियन है, लिटरेरी क्रिटिक हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, बहुत कुछ हैं। और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, स्कॉटिश लिटरेचर और स्कॉटिश कल्चर पे बहुत ज़्यादा लिखा है। ये सन्डरलैंड एक ज्यूश फैमिली, यहूदी फैमिली में पैदा हुए। फिर ये एटनबर्ग में चले गए जब कि अभी ये एक बच्चे ही थे, छोटे थे। और ये तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड की बात है, जहाँ पे इनके वालद जो हैं, जिनका नाम डॉक्टर सेलिस डेशिस था, वो वहाँ पे रबी थे एटनबर्ग ज्यूश कम्युनिटी में। और रबी जो है वो आपको पता है, ये यहूदियों के जो जैसे हमारे मौलवी होते हैं या क्रिश्चियनिटी में पादरी होते हैं, वो थे उस साइड। आप यहूदी आलम या यहूदी मुबल्लग कह लें उन्हें। डेविड डैशिज ने जॉर्ज वॉटसन्स कॉलेज में तालीम हासिल की, वहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप लिया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का। और फिर वहाँ पे उन्होंने एक एलियट प्राइज़ जो है वो जीता। जहाँ तक इनके करियर की बात है, तो करियर इन्होंने बहुत ही मसरूफ गुजारा है। इनका जो पहला जो काम था वो था द प्लेस ऑफ मीनिंग इन पोइट्री, जो 1935 में पब्लिश हुई। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिखा है, और इंग्लिश लिटरेचर, स्कॉटिश लिटरेचर और लिटरेरी हिस्ट्री, इसके ऊपर उनका बहुत काम। लिटरेरी हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म में इनका बड़ा काम है। फिर इसके साथ साथ इन्होंने रोल ऑफ लिटरेचर इन सोसाइटी एंड कल्चर, इस पर बहुत लिखा है। डेविड डैशीज ने बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल भी बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने अपना जो करियर है वो एडिनबर्ग में स्टार्ट किया था, और फिर इन्होंने एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल टीचिंग करियर जो है ना वो है इनके डिस्पोजल पे। यूके में इन्होंने पढ़ाया, यूएस में पढ़ाया, कनाडा में पढ़ाया। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा और मसरूफ जो टाइम है वो गुजारा। इनके काम की जो पब्लिश काम हुए हैं उनकी बहुत तवील लिस्ट है, उसमें हम चंद एक ही जो है उनके यहाँ पे लिख सके हैं आपके सामने। है पोइट्री एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, है गॉड एंड द प्रॉफिट्स, है और क्रिटिकल हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये इनकी बहुत मशहूर जो है वो इनका काम है। थर्ड वर्ल्ड पे है, इसी तरह से इनकी अपनी याददाश्तें हैं, नुमाइश जो हैं वो भी हैं। तो बहुत एक लंबी तवील लिस्ट है इनके काम की। एंड ऑफ टर्म की समरी या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेटा देखते हैं। ये आर्टिकल जो है इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो उसकी जो स्कूल की रूटीन है उस पर मुश्तमिल है। आइए सबसे पहले इसे देखते हैं। डेविड डैशीज कहता है कि मैं कोई बुरा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्कूल का काम और बहुत ज़्यादा काम और फिर बिल्कुल रिलैक्स ना करने का जो एहसास है, वो कहता है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा वो मुझ पे प्रेशर डालता होता था। राइटर लिखता है कि सुबह का वक्त उठना, और ये भी पता हो कि अब मज़ीद जो है वो सोने के कोई चांसेस नहीं है, तो ये सुबह का उठना जो है वो एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता था। ख़ास तौर से ये जो एक्सपीरियंस है ये मंडे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। डेविड डैशीज हमें बताता है कि उनके यहाँ एक मेड होती थी जो सुबह सवेरे उस फ्लोर पे आती, जो जिसके एक कमरे में डेविड डैशीज अपने भाई लाइनल के साथ सोया होता था, और दूसरे कमरे में उनकी सिस्टर जो है वो सिल्विया जो है वो सोया करती थी। और वो मेड जो है वो इस तरह की होती थी कि वो ऊपर आते ही जोर जोर से इन्हें शाउट करके बुलाया करती थी, लाइनल, डेविड, सिल्विया, टाइम। राइटर लिखता है कि ये आवाज़ जो है वो ऐसे महसूस होता था जैसे वो जहन्नम की तरफ जैसे बुलावा है, इतनी ज़्यादा वो महसूस जो है वो उन्हें आवाज़ लगती थी। राइटर लिखता है कि बचपन का ये खौफ जो है तब तक रहा जब तक कि उन्होंने स्कूल छोड़ नहीं दिया और वो आगे दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं चला गया। तो ये बचपन का जो खौफ है वो सारा स्कूल लाइफ उसके साथ ही रहा।
जुम्मे की सुबह राइटर के लिए बड़ी ही खुशकुन हुआ करती थी और फ्राइडे को लास्ट पीरियड जो है वीकेंड पे, वो जो लास्ट पीरियड था वो बड़ा ही उसके लिए खुश करने वाला होता था। राइटर अपने स्कूल से निकलता घर की तरफ तो ऐसे जा रहा होता जैसे कोई कोई भागा हुआ कैदी है। और इसके साथ साथ राइटर ने बताता है कि मंडे के लिए बहुत ज़्यादा काम भी दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो जो लास्ट पीरियड होता था फ्राइडे फ्राइडे का, उसका एक अपना ही मज़ा, उसका अपना ही एक फ्लेवर होता था। फ्राइडे की रात, जुमे की जो रात है, जिसके आगे के भी दो बिल्कुल खालस छुट्टियां जो हैं वो पड़ी हुई होती थी, वो राइटर कहता है कि इस वीक की सबसे वो बेस्ट नाइट होती थी। फिर सैटरडे की जो नाइट है, अभी तक उसके और स्कूल जाने के दरम्यान में, यानी कि मंडे में अभी एक दिन होता था, उसका एक अपना ही वो कहता है डिफरेंट तरीके का एक जायका था। लेकिन जो संडे नाइट थी वो मंडे मॉर्निंग यानी पीर की सुबह की थ्रेट से भरी हुई होती थी, जो कि एक बड़ी खौफनाक सुबह समझी जाती थी उसके अपने बचपन में। इस आर्टिकल का दूसरा हिस्सा ब्रेक्स या छुट्टियों पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। राइटर लिखता है कि बाज का तो बिल्कुल गैर मुतवक्को जो है वो छुट्टियां हो जाती थी, एक आधे दिन की छुट्टी ताकि हम फुटबॉल का मैच जो है वो देख सकें। बाज का तो किसी सेलिब्रेशन या क्राइसिस की वजह से स्कूल जो है वो एक या दो घंटे पहले ही उसे छुट्टी दे दी जाती थी, स्कूल बंद कर दिया जाता था। एक और तरह की जो ब्रेक है उसके बारे में राइटर बताता है कि साल में एक दफा पूरी टर्म जो है उसमें एक मिड टर्म हॉलीडे होती थी, यानी एक मंडे जो है उसको ऑफ कर दिया जाता था। और इस मंडे के ऑफ होने से वो वीकेंड जो है वो बड़ा ही लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड बन जाता था और बड़ा ही मजेदार वीकेंड होता था। वो बास का विंटर में राइटर बताता है कि उन्हें विंटर में एक पूरे दिन की छुट्टी मिल जाती थी स्केटिंग के लिए। और लेकिन कहते हैं राइटर के जो ब्लेस्ड हॉलीडेज है ना, जो बड़ी ही खूबसूरत हॉलीडेज हैं, वो हमें ईस्टर पे और क्रिसमस में हॉलीडेज होती थी, क्योंकि वो 3 वीक्स की छुट्टियां होती थी। लेकिन जो सही छुट्टियां थी ना द हॉलीडेज, वो असल में समर हॉलीडेज होती थी, जो कि 2 माह की छुट्टियां थी। तो राइटर इसको सही छुट्टियां द रियल हॉलीडेज कहता है। ब्लेस्ड हॉलीडेज जो हैं वो क्रिसमस की हॉलीडेज और ईस्टर की हॉलीडेज को कह रहा है, लेकिन कहता है असल में जो सही छुट्टियां हैं ना, जिनको छुट्टियां कहते हैं, वो गर्मियों की छुट्टियां होती थी 2 माह की। जुलाई कहते हैं सनशाइन, उस धूप में राइटर जो है वो अपने यूनिफॉर्म में वो चिरागा के अंदर से गुजर के अपने घर की तरफ चल रहा होता था, और उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता था कि वो छुट्टियां जिनकी बड़ी ख्वाहिश की गई, जिनके ख्वाब देखे गए, और जो बड़ी ही मिथिकल यानी दास्तानवी रोमानवी सी हॉलीडेज जो हैं वो वाकई आ गई हैं। कहते हैं ये सारा कुछ जो है वो इतना ज़्यादा सही और सच्चा होता था कि इस पे यकीन नहीं आता था। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, कहते इतना अच्छा और इतना अच्छा लगता था ये कि इस पे यकीन नहीं आता था कि ये वाकई ऐसा हो गया कि छुट्टियां आ गई हैं वो गर्मियों की 2 माह की छुट्टियां। थर्ड जो इसका हिस्सा है इस आर्टिकल का, जो जिसको हमने तकसीम किया, तीसरा हिस्सा इसकी विशेज या उसकी ख्वाहिशात पे मुश्तमिल है, उसकी बचपन में क्या क्या ख्वाहिशात रही हैं वो देखते हैं। राइटर लिखता है विशेज डिड नॉट कम थ्रू इन दिस वर्ल्ड, की इस दुनिया में ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होती। इसी से पता चल जाता है कि उसकी जो बचपन की ख्वाहिशात हैं वो कितनी पूरी रही होंगी, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जो बात है वो अपने बचपन में राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता था एक ट्राईसाइकिल की, 3 पहियों वाली साइकिल की उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, जिसको कि उसके वालदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यही ट्राईसाइकिल की जो ख्वाहिश है ये फिर बाइसिकल में चेंज हुई। कहता है राइटर की उसमें भी मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा,
राइटर ने अपनी पहली बाइसिकल जो है वो यूनिवर्सिटी की प्राइज मनी से उसने हासिल की। जब वो यूनिवर्सिटी में था वहाँ उसने इनाम जीता, तो वहाँ उसने फिर अपने लिए एक बाइसिकल ली। राइटर मजीद लिखता है कि मैं बचपन में एक स्वीट शॉप के बाहर खाली जेब में लेके खड़ा होता था कि शायद मुझे कोई चीज़ जो है यहाँ से मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर एक और जो चीज़ है जो राइटर करता होता था वो ये था कि किसी आइसक्रीम वाले के इर्द गिर्द जो क्राउड है उसके आसपास मंडलाते रहना कि शायद मौजज़ाती तौर पे उसे कोई कॉर्नेट या स्लाइडर जो है वो कोई उसे पेश कर दे। राइटर कहता है कि जो बचपन में हमें थोड़े से पैसे मिलते थे पॉकेट मनी के तौर पे, वो खर्च करने के लिए नहीं होते थे बल्कि उनको बचा के रखना था और उनको अपने जो मनी बॉक्स है उसमें डालना होता था। राइटर अपने बचपन को याद करते हुए बताता है कि ये मैं और लाइनर और सिल्विया जो है हमारे पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं होते थे। ये सारी ख्वाहिशात जो हैं ये कभी भी वो कहता पूरी नहीं हुई मेरी, लेकिन ये ज़रूर है कि वो छुट्टियां ज़रूर आया करती थी। जो 2 माह की छुट्टियां हैं वो बड़ी शदीद ख्वाहिश होती थी। कहता हाँ वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी हुआ करती थी और वो जब ख्वाहिश पूरी होनी तो फिर हम अपने अपने घरों को स्टेशन पे गाड़ी पे टैक्सी में बैठ के तो फिर जाया करते थे। ये एक ख्वाहिश है जो पूरी होती थी, बाकी जो बचपन की ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हुई और ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी भी नहीं हुआ।